वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ओके, और बच्चे इससे पहले मैं जो है एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 5 तक। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, आपको क्या दे रखा है बच्चे, एक इक्वेशन आपको गिवन है लीनियर इक्वेशन जो भी, दैट इज 2x + 3y - 8 = 0। ओके, देन राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ पेयर सो फॉर्मड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, अब बच्चे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको जो है ऑलरेडी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपको ऑलरेडी मेंशन है। ओके, इसके अकॉर्डिंग बच्चे आपने क्या करना है, एक और लीनियर इक्वेशन आपने रिप्रेजेंट करनी है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर ये पेयर ऑफ इक्वेशन आपकी क्या रिप्रेजेंट करें, पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको पता है फर्स्ट केस की हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको बच्चे पता है कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस ये होती है ना कि कोफिशिएंट a वर अपॉन b2 जो कि x कोफिशिएंट है मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b वर अपॉन b2, यही कंडीशंस होती है ना कि नहीं, है ना। अब बच्चे क्या देखो, आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, a1 आपको गिवन है 2, तो बच्चे आपने क्या करना है, a2 आप कोई डिफरेंट नंबर ले लीजिए, और क्या करना है, b1 आपको गिवन है 3 और b2 आप कोई भी ऐसा जो है नंबर ले लीजिए जिससे क्या है इनका रेशियो इक्वल ना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया बच्चे यहां पर 3x + 2y - 3 ले लिया मैंने। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन मैंने इसकी कंपैरिजन में मैंने ये ले लिया। अब देखो बच्चे कंपेयर कीजिए, यहां पर क्या है, हियर a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -8, a2 = 3, b2 = 2 एंड c2 = -3। देखिए बच्चे यहां पर क्या आ रहा है, आपके a1 अपॉन में a2 कितना आ रहा है, 2/3, ठीक है, और b1 अपॉन में b2 कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लो बच्चे यहां से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, क्या हो रही है देखो कि हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, तो इसका मतलब अन्यथा बच्चे इक्वेशंस आप ये वाली ले सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई थिंक इट्स क्लियर। जरूरी नहीं है कि बच्चे जो मैंने यहां पर मेंशन किया है वही आपने इक्वेशन लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ये वाली सेटिस्फाई वहां पर होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं दूसरे केस की जो कि है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है वो देखते हैं बच्चे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपको पता है बच्चे पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस क्या होती है, और आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन सब कुछ पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बच्चे इक्वेशंस ले सकते हैं। देखिए बच्चे अगर बात करें पैरेलल लाइंस कंडीशन, बच्चे आपको ऑलरेडी पता है दैट इज a1 / a2 = b1/b2 तो होता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता। ओके, जो इक्वेशन बच्चे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले वो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहां पर, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, मैंने लिया यहां पर 6x + 3y - 9y - 2 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऑलरेडी मेंशन है दिस वन, और सेकंड इक्वेशन को मैंने ले लिया 6x + 9y - 2 = 0। अब बच्चे एक बार चेक कर लीजिए यहां पर, देखो हियर a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 - -8। ओके, a2 = 6, b2 = 9 एंड c2 = -2। अब इनका रेशियोज निकालिए बच्चे आप, a1/a2 = आपका है 2/6, दैट इज 1/3, नॉट अ कंफ्यूजन। ओके, b1/b2 कितना आ रहा है आपका, 3/9, that is also 1/3, but c1/c2 जो आपका आ रहा है वो आ रहा -8/-2, that is equals to 4। ओके, तो a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, these conditions are satisfying the given equations। ओके, तो हम क्या लिखेंगे here, a1/a2 = b1/b2 but not equals to c1/c2। ठीक है बच्चे, आई थिंक क्लियर, समझ में बात आ रही है बच्चे। तो हम यहाँ पर बच्चे फर्स्ट इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी मेंशन है, आप तो सेकंड इक्वेशन आप
ये ले सकते हैं, ठीक है। और आपने अपने अकॉर्डिंग बच्चे जो है आप कोई और भी इक्वेशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं मेंशन कर रहा हूं वही आपने लिखना है, ठीक है। बस आपने ध्यान रखना बच्चे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी इक्वेशन बन सकती है वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे थर्ड केस की, दैट इज कॉन्सिडेंट लाइन। अच्छा बच्चे देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉन्सिडेंट लाइन्स की अगर हम बात करें, फॉर कॉन्सिडेंट लाइन्स ठीक है, आपको पता है बच्चे कॉन्सिडेंट लाइन्स के लिए कंडीशंस क्या होती है, वो होती है ये वाली, ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन में बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन में सी टू, ये कंडीशन होती है। तो बच्चे मैंने क्या करा, मैं यहां से एक काम करता हूँ, यहां से ले लेता हूँ मैं इस इक्वेशन को, अनदर इक्वेशन में लेता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अनदर इक्वेशन में यहां से ले लेता हूँ, डेट इज यहां पर आपका टू एक्स को लेता हूँ मैं आपका फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो, ओके। ये मैंने सेकंड इक्वेशन को एज्यूम कर लिया, क्लियर है बच्ची, बात क्लियर है। अब एक बार चेक करिए बच्चे क्या इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लेते क्या दिक्कत है। देखो हियर ए वन इज टू बी वन इज थ्री एंड सी वन इज माइनस एट, ए टू इज फोर एंड बी टू इज सिक्स एंड सी टू इज माइनस सिक्सटीन, ओके। देखिए कंपैरिजन कीजिए इनके रेशियो का, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बाय फोर दैट इज वन बाय टू, देन बी वन बाय बी टू दैट इज इक्वल्स थ्री बाय सिक्स दैट इज आल्सो इक्वल्स टू वन बाय टू, देन सी वन बाय सी टू इक्वल्स टू माइनस एट अपॉन माइनस सिक्सटीन दैट इज आल्सो इक्वल्स टू वन बाय टू, ओके। तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ, इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करने में, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को कंपैरिजन करने में हमें क्या मिल रहा है, कॉन्सिडेंट लाइन्स वाली कंडीशन सेटिस्फाइड मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि बच्चे ये आप एग्जांपल ले सकते हैं सेकंड इक्वेशन का, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमें आपने देखो ए वन अपॉन ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है बच्चे। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ओके। और वीडियो अगर आपको सही लगती है, पसंद आती है, तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेवन की, ओके ओके स्टूडेंट्स।